सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो रंजीत, मैं बोल रही हूँ। हाँ रीना डार्लिंग, बोलो क्या हुक्म है, कैसे याद किया बंदे को? हमने जो प्लान बनाया था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। मैं तो सब समझ गया। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी बेटी से बात की? नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम फिकर मत करना, मैं उसे बात कर लूंगी। हमारी आगे की बातें होटल के कमरे में होगी, ठीक है? ओके बाय। कैसे बात कर रही थी? मेरी सहेली से। वो तो तुम अंदर कमरे से भी कर सकती थी, बाहर हॉल में आकर मोबाइल करने की क्या जरूरत पड़ी? आप सो रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आखिर आपके आराम का ख्याल मुझे ही करना है ना। बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा। माफ कर दो सुधा, मैंने रीना के बहकावे में आकर तुम्हें तलाक दिया, तुम्हारी पवित्रता पर शक किया। अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम मुझसे बहुत दूर अमेरिका चली गई। एक बार इंडिया आ जाओ सुधा, एक बार। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं जानता गुप्ता जी, ये टेंडर सिर्फ हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। गुप्ता जी, 75 करोड़ रुपए का मामला है। ये टेंडर हमारे हाथ में आते ही हमारी कंपनी हिंदुस्तान की नामी गरामी कंपनी हो जाएगी। इसमें आपका भी तो फायदा है गुप्ता जी, इसलिए आप चाहे तो ये टेंडर हमारी कंपनी के अलावा और किसी कंपनी को नहीं मिल सकता। आप रीना क्या कर, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ रीना। आप ऑफिस का काम ऑफिस में ही कीजिए, घर पे मत लाइए। रीना, बिजनेस में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर तुम तो मेरी सेक्रेटरी रह चुकी हो। लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने दवाई ली? माय गॉड, मैं भूल गया। मुझे मालूम था आपको पहले ही एक हार्ट अटैक हो चुका है, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, लेकिन आप है कि अपना ख्याल रखते ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुधा की तरह बेवफा नहीं हूँ जो आपके परेशानी से परेशान ना हो। रीना, तुम बार बार सुधा को क्यों बदनाम करती हो? देखो, गलती तो हम दोनों ने भी तो की थी। अब जब सुधा अमेरिका जा चुकी है तो उसके जिक्र करने का फायदा। देखो सुधा, मैंने तुम्हें उसकी जगह दे दी है ना। हाँ, बहुत मेहरबानी की आपने, लेकिन इस वक्त मेरे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ जरा बाहर। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग। अरे हाँ, शॉपिंग से याद आया, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के कुछ बिल आए हैं 1.5 लाख रुपए। स्वीटहार्ट, तुम खर्चा करो लेकिन प्लीज हाथ खींच के। तुम्हारे कंजूसी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ।
अरे आओ बेटी आओ। मम्मी आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? अरे तुम रहोगी तो शॉपिंग करने में मजा आएगा। नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आप जाइए। मैं भी जा रही हूँ और मुझे लौटे लौटे देर हो जाएगी। बेटे क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? जैसे आप कुछ जानते ही नहीं डैडी। मैं जानता नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ? मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए आपसे 15,000 रुपए मांगे थे लेकिन आपने नहीं दिए। आप नहीं जानते मेरे दोस्तों के आगे मेरी कितनी इंसल्ट हुई, मुझे कितने ताने सुनने पड़े। बेटे मैं वो सब, मैं कुछ नहीं जानती। हमारे पास इतनी दौलत है, जायदाद है, वो सब किसके लिए है डैडी? सब तुम्हारे लिए बेटे। मुझे ऐसा नहीं लगता, कहने को तो हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं और मम्मी पाई पाई के मोहताज हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बोलता क्यों नहीं? रीना मैं सुधा बोल रही हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं अनीता से बात करना चाहती हूँ। शायद तुम भूल गई कि इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते टूट चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है। जानती हूँ, मुझ पर बद चलने का इल्जाम लगाकर तुमने शाम के साथ साथ अनीता के मन में भी मेरे खिलाफ जहर भर दिया है, लेकिन अब मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। उससे मिलना तो दूर, तुम्हारा साया भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगी। किसका फोन है मम्मी? तुम्हारी असली माँ का। बात करोगी उससे? मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। इस बात पे यकीन तुम खुद ही उन्हें दिला दो तो बेहतर होगा। लो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और आइंदा मुझे फोन करने की और मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। पर अनीता बेटे बात तो सुनो मेरी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अनीता मैं हो गई तसल्ली? क्या बात है अनीता, आज तुम कॉलेज नहीं गई? मम्मी आज मेरा कॉलेज जाने का मूड नहीं है। क्यों? वही पापा की कंजूसी, फ्रेंड्स ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं तो तंग आ गई हूँ। तुमसे ज्यादा तो मैं तंग आ गई हूँ। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? उनसे पैसे निकलवाने का, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो। पापा से पैसे निकलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी किडनैपिंग का ड्रामा। यू मीन नकली किडनैपिंग? यस, और इस तरह से हम उनसे 50 लाख निकलवा सकते हैं। मम्मी आप भी पापा की तरह थोड़ी कंजूस हो गई हैं। 50 लाख नहीं, पूरा 1 करोड़। 50 लाख आपका और 50 लाख मेरा, यानी हमारी पार्टनरशिप पक्की। 100% पक्की। हमारे प्लान के पहले कामयाबी की खुशी में एक एग्जाम हो जाए। आई लव यू रंजीत। आई लव यू टू। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका ऑर्डर। ठीक है वहां रख दो। प्लीज साइन सर। ठीक है यार वहीं रख देना, और ये लो। और सुनो हमें डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। हम जरा आराम करना चाहते हैं। ओके सर, मेरा नाम जोसेफ है, अगर किस चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। ठीक है जोसेफ। ओके सर, जरूरत पड़े तो बोलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
बोलो डार्लिंग, क्या बात है? हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा ताकि अनीता को ये शक ना हो कि पहले हम उसका किडनैप और बाद में मर्डर करने वाले हैं। तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, मैंने सारी तैयारी बड़ी होशियारी से पूरी कर ली है। वेरी गुड। और उसके किडनैप करने के बाद उसको रहने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। लेकिन उसकी लाश कहां हम ठिकाने लगाएंगे? चाइना क्रीक की खाड़ी में। लेकिन डार्लिंग, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनीता को मुझे इस प्लान में शामिल देखकर क्या उसे शक तो नहीं हो जाएगा? इन सब बातों में तुम अपना दिमाग मत जाया करो, बस उतना ही करो जितना मैं कह रही हूँ। अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ ना तो तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएंगे। बहुत खूब, यानी 100 करोड़ की दौलत में मेरा हिस्सा सिर्फ 1 करोड़। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ मैडम कि जब बेटी की खबर बुढ़े को मिलेगी बुढ़ा तो लुढ़क जाएगा, यानी तुम 100 करोड़ रुपए की दौलत की मालिक बन जाओ। सिर्फ 1 करोड़, ये तो बहुत नाइंसाफी है मैडम। ओके, लेकिन ये सब बातें हम बाद में करेंगे। यानी किडनैप के बाद, लेकिन मर्डर से पहले, राइट? बहुत चलाक हो तुम। एनीवे, अनीता कल वर्सोवा वाले बंगले पे खुद ब खुद पहुंच जाएगी। ठीक है, श्याम वर्मा के बंगले पे हमारा फोन कितने बजे पहुंचना चाहिए? 9 बजे। ओके। अरे 9 बज गए और अनीता अभी तक कॉलेज से नहीं आई। तो क्या हुआ, चली गई होगी अपने किसी सहेली के घर, आ जाएगी थोड़ी देर में। आप भी कमाल करते हैं, जब कोई बेटी जवान होती है ना तो उसकी माँ बहुत परेशान होती है, लेकिन आप बिल्कुल समझ नहीं रहे। ये लो, आ गया तुम्हारी लाडली का फोन, कर लो बात। हेलो। एक्शन नंबर 1, सीन नंबर 2 एंड डायलॉग नंबर 3। क्या तुमने अनीता को किडनैप कर लिया? 1 करोड़, कौन बोल रहे हो तुम? अनीता को सही सलामत छोड़ दो वरना मुझे तो फिर। हेलो 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 डैडी, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे यहाँ से छुड़ा लो डैडी, वरना वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखो बेटे, तुम बिल्कुल नहीं घबराना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो तुम बस शांत रहो, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा तुम्हें। देखो बेटे, देखो। हेलो हेलो अनीता, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, लेकिन ये बताओ कि पापा कैसे हैं? तुम्हारे डैडी बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम फिकर मत करना, हम सारी दौलत लुटा के तुम्हें छुड़ा लेंगे। ओह, यू आर जीनियस मम्मी, यू आर जीनियस। पता बताओ कहाँ लेके आने हैं मुझे 1 करोड़ रुपए? चाइना क्रीक लैंप पोस्ट। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं अकेले ही आऊंगी, पुलिस को नहीं बताऊंगी। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है, आप फिकर मत कीजिए, मैं उसे सही सलामत ले आऊंगी। तिजोरी की चाबी दीजिए। ये लो, देखो संभल के जाना। हाँ। भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, मैं श्याम वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ श्याम वर्मा जी, बोलिए, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे शक अपनी पत्नी रीना पर है। वो अभी अभी 1 करोड़ रुपए लेकर थोड़ी देर में चाइना क्रीक पर पहुंचने वाली है। प्लीज मेहरबानी करके कुछ कीजिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें श्याम वर्मा जी, वो चाइना क्रीक में हो या दुनिया के किसी भी कोने में,
मेरी नजरों से बच नहीं पाएंगी। मैं फौरन ही आपको मिलता हूँ। बाय। सर ये कहीं वही मिस्टर श्याम वर्मा तो नहीं जिनके यहाँ लास्ट ईयर हम लोग क्रिसमस पार्टी में गए थे और इनकी मिसेज रीना वर्मा से हमारी मुलाकात भी हुई थी? ये वही श्याम वर्मा है श्रीवास्तव, और इसके घर मुझे अभी फौरन ही जाना पड़ेगा। सर मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? कौलदार सालुखिया के बेटे का जन्मदिन है आज। नो प्रॉब्लम श्रीवास्तव, यू कैरी ऑन। थैंक यू। इतनी देर हो चुकी है, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? बोलो ना रंजीत, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी मम्मी अनीता, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं इस भूत बंगले में बोर हो रही हूँ और तुम कहते हो, बोलो ना मम्मी कब आएगी? अनीता डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी में क्यों? अरे मम्मी आ जाएगी, कुछ देर मेरे पहलू में तो गुजार लो। ये क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो रंजीत? मैं तो होश में आ जाऊंगा अनीता, लेकिन तुम्हें होश में आने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मतलब? एक बार रीना को यहाँ आने तो दो, सब पता चल जाएगा। भाई साहब ये शांति निकेतन। रीना वर्मा इस वक्त और यहां पर? ये इंस्पेक्टर भारती है। सर मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूं। सर रीना वर्मा को अभी अभी मैंने वर्सोवा के बैंगलोर नंबर 307 में जाते हुए देखा। श्रीवास्तव तुम वहीं रुको और उस पर नजर रखो, मैं वहां पहुंचता हूं अभी इमीडिएटली। ओके बाय। ओके सर। रीना वर्मा को उस बंगलों में अभी भी जाते हुए देखा है। आओ मिस्टर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। सब लाइट्स ऑन करो। माय गॉड, मिसेस रीना वर्मा, किसी ने इनका खून कर दिया है। श्रीवास्तव श्रीवास्तव ये केस बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। ये गुत्थी बहुत उलझी हुई नजर आ रही है। मिसेज रीना वर्मा का खून और 1 करोड़ रुपयों से भरा हुआ ब्रीफ केस गायब। इस ग्लास को
लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ले जाओ श्रीवास्तव। डैडी। बेटे बेटे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रीना कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं या फिर बताना नहीं चाहती आप? क्या बात क्या है इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर श्याम वर्मा, आपकी पत्नी मिसेज रीना वर्मा का किसी ने खून कर दिया है। क्या? और इसी के मुतालिक मैं चंद सवाल करना चाहता हूं आपसे मिस अनीता वर्मा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। नो प्रॉब्लम। लेकिन जबान कुछ कह रही है आपकी और चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा है। ऐसी घबराहट में इंसान को एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। आपको इस वक्त पानी की सख्त जरूरत है, ये लीजिए। लीजिए लीजिए। मैं आई मिस अनीता वर्मा, पुलिस के पास सच उगलवाने के और बहुत सारे तरीके हैं। पुलिस को सच उगलवाने के और बहुत सारे तरीके आते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सख्ती से पेश आऊं, सच बोल डाली। ठीक है इंस्पेक्टर भारत, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बेस्ट बेटर। जानती हूँ इंस्पेक्टर भारत, इस प्लान में शामिल होने से मेरा ही नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। मैंने गलती की है, लेकिन जब रंजीत ने नशे में मुझे सब कुछ बताया तो मैं वहां से भागकर यहाँ आ गई। मेरा यकीन करो, मैंने मम्मी का खून नहीं किया। तो जब तुम वहां से भागी तो रंजीत वहां पर मौजूद था? हाँ था। चलिए थोड़ी देर के लिए आपका यकीन कर लेते हैं, लेकिन मिस अनीता वर्मा एक बात बताऊं आपको, झूठ के पांव नहीं होते और झूठ की उम्र भी बहुत छोटी होती है। रंजीत रहता कहां है? मुझे नहीं पता। उसका पुलिया बता सकती हो? मिस अनीता वर्मा, ऐसी ही शक्ल थी उसकी? कुछ ऐसी ही शक्ल थी उसकी। सर ये तो रंजीत है, और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटा है। ये वही रंजीत है ना श्रीवास्तव, जो ज़वेरियन सन से फिरौती लेता हुआ पकड़ा गया था? यस सर। पता लगाओ श्रीवास्तव कि ये
आजकल है कहाँ? सर मिस्टर रंजीत प्लीज। रंजीत आप कौन है? इंस्पेक्टर भारत क्राइम ब्रांच। यहाँ कोई रंजीत नहीं रहता है। I'm sorry. रंजीत 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 क्या बात है शेरा? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रंजीत तुम फौरन शहर छोड़कर भाग जा, क्योंकि इंस्पेक्टर भारत तेरे घर तक पहुंच चुका है, वो किसी वक्त यहाँ आ सकता है। आ सकता नहीं है, आ चुका है रंजीत। अरे ये तेल जाके से पहुंच गया? तुम लोगों के सोचने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज मेरे कदमों की रफ्तार है, इसलिए तो मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। इंस्पेक्टर भारत, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरा नाम रंजीत है, रणजीत। मैंने जिंदगी में कभी भी हारना सीखा नहीं। अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार सकता हूं। हलवा है क्या? तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। रणजीत, जब तुम्हारा ये दोस्त चंद चांदी के टुकड़ों के लिए मुझे यहां तक ला सकता है, तो तुम्हारे इस रिवॉल्वर की गोलियां भी तो खाली कर सकता है ना? नहीं, नहीं झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे नहीं किया। रात्रि के भोजन में आप अभी गोलियां खाना पसंद करेंगे या सच बोलेंगे? फटाफट मैं बताता हूं इंस्पेक्टर भारत, मैं सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूं। फैंटास्टिक। हाँ। अब सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपने मिसेज रीना वर्मा का खून क्यों किया और वो 1 करोड़ रुपयों का ब्रीफकेस आपने कहां रखा हुआ? बताता हूं बताता हूं। फैंटास्टिक। श्रीवास्तव, मुझे सिल्वर शाइन होटल का वेटर जोसेफ इमीडिएटली चाहिए, नाउ। सर। जानते हो? नहीं साहब। नहीं पहचानते? नहीं साहब। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब याद आया? सब कुछ याद आया साहब। आपको मेरे साथ होटल के कमरे में चलना होगा।
यही वो टेप रिकॉर्डर है ना जोसेफ? यस सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। आइए आइए इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर वर्मा, आपकी बेटी अनीता इस वक्त कहाँ होगी? कहिए इंस्पेक्टर भारत, क्या बात है? आपको याद है मिस अनीता वर्मा, मैंने आपसे एक मर्तबा कहा था कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी भी नहीं होती। लेकिन मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। यह आपका दूसरा झूठ है मिस अनीता वर्मा। इंस्पेक्टर भारत, आखिर मामला क्या है? किस्सा मुख्तसर यह है वर्मा साहब की, कि उस वक्त अगर अनीता जी झूठ नहीं बोलती तो मिसेस रीना वर्मा का कातिल उसी वक्त पकड़ा जाता है। रीना वर्मा का आखिर कातिल है कौन? जरा नीचे की तरफ देखें। मिस्टर श्याम वर्मा, आपकी पहली पत्नी सुधा जी ने ही आपकी दूसरी पत्नी रीना जी का कत्ल किया है। यह आप क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? यह अनाप शनाप नहीं है मिस्टर श्याम वर्मा, यह हकीकत है। और ये हकीकत मिसेस सुधा वर्मा खुद बताएंगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना सुधा जी? मेरी बर्बादी तो उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन रीना सेक्रेटरी बनकर इनके ऑफिस में आई थी। उसने सिर्फ इन्हें ही अपनी खूबसूरती के जाल में नहीं फंसाया, बल्कि मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर मेरी बेटी को भी मुझसे अलग कर दिया, दूर कर दिया उसे मुझसे। लेकिन तुम तो अपने भाई के साथ अमेरिका चली गई थी, यहां कैसे आई? हाँ, मैं अमेरिका चली गई थी, लेकिन मेरा मन यहीं भटकता रहा। मैं तुम दोनों की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। और जब मेरी बेचैनी हद से बाहर हो गई तो मैं यहां वापस लौट आई। लेकिन यहां आकर तुमने रीना वर्मा का कत्ल क्यों किया? तुम दोनों की जान बचाने के लिए। क्या? हाँ, जिस होटल में मैं रुकी थी वहां मेरी नजर रीना पर पड़ी। कहीं तुम्हारे पति को शक तो नहीं हो जाएगा? उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ है? मैंने जब उन दोनों को कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो मुझे शक हुआ। मैंने एक प्लान बनाया और होटल के वेटर जोसेफ को खरीद लिया।
अंदर की सब बातें टेप हो जाएंगी। हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा ताकि अनीता को ये शक ना हो कि पहले हम उसका किडनैप और बाद में मर्डर करने वाले हैं। जब मैंने रीना और रंजीत की बातें टेप पर सुनी तो मेरा खून खौल उठा, पर मैं जानती थी कि रीना एक बहुत ही चालाक औरत है और वो पुलिस के शिकंजे से बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी और शायद फिर साजिश करने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने उन्हीं के प्लान का फायदा उठाया। मैंने रंजीत को फोन किया। हेलो, हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा ताकि अनीता को ये शक ना हो कि पहले हम उसका किडनैप और बाद में मर्डर करने वाले हैं। तो फिगर मत करो डार्लिंग, मैंने सारा इंतजाम बड़ी होशियारी से कर लिया है। वेरी गुड। अनीता को किडनैप करने के बाद उसके रहने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। और उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे? चाइना क्रेक के खाड़ी में। कौन हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? वक्त बर्बाद मत करो रंजीत, पुलिस को तुम्हारे सारे प्लान का पता चल चुका है। तुम फौरन वहां से भाग जाओ क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी वहां पहुंच सकती है। कौन बोल रहा है बोलो। हेलो, किसका फोन था? मेरे एक दोस्त का फोन था। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी आती होंगी, दरवाजा बंद कर लेना। उसके बाद मैं अपनी बेटी अनीता से मिलने वर्सोवा वाले बंगले पर गई। कैसी हो बेटी? तुम यहाँ क्यों आई? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? बेटी, तुम्हारी जान को खतरा है। झूठ बोल रही हो तुम। अगर मेरा यकीन नहीं है तो खुद सुन लो, रंजीत और रीना तुम्हें मार देना चाहते हैं। लो सुनो। बोलो स्वीटहार्ट। हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा ताकि अनीता को ये शक ना हो कि पहले हम उसका किडनैप और बाद में मर्डर करने वाले हैं। तो फिगर मत करो डार्लिंग, मैंने सारा इंतजाम बड़ी होशियारी से कर लिया है। वेरी गुड। अनीता को किडनैप करने के बाद उसके रहने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। और उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे? चाइना क्रेक के खाड़ी में। Oh my God! अब मैं क्या करूं? फिकर मत करो, तुम इसी वक्त सिल्वर सैंड होटल में जाओ और 703 नंबर में मेरा इंतजार करो। अब देखती हूँ रीना, तुम्हें कौन बचा सकता है। और अनीता के जाने के बाद मैं रीना के इंतजार में वहीं रुक गई। रंजीत, अनीता, रंजीत कहाँ हो तुम? अनीता, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? तुम? हाँ मैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ? तुमने मेरे पति को मुझसे छीना, मैं देखती रही। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया और मैं कुछ नहीं बोली। कि आज तुम अपने यार के साथ मिलके मेरी बेटी का खून करना चाहती हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जिंदा, तुम्हें जिंदा मैं छोड़ दू, छोड़ो मुझे, छोड़ दो तुम, छोड़ो तुम, नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुम्हें, छोड़ दो।
और वहां से जो ग्लास बरामद हुआ, ग्लास पर जो लिपस्टिक के निशान थे, बात समझ में आ गई कि वहां कोई तीसरी औरत मौजूद थी, क्योंकि लिपस्टिक का जो कलर था वो अनीता और रीना जी के लिपस्टिक के कलर से मैच नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि खून मम्मी ने किया है? रंजीत को पकड़ने के बाद जब वो टेप रिकॉर्डर की बातें मैंने सुनी तो ये तो समझ में आ गया कि हो ना हो असली सुराग उस होटल के कमरे में ही है जहां वो बातें टेप हुई थी। और जब मैंने सुधा जी का कमरा तलाश किया तो ये केस बिल्कुल शीशे की तरह यूं साफ हो गया मेरे सामने। सुधा, जो गलती मैंने की उसकी सजा भगवान ने मुझे और रीना को दे दी है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो। गलत? मिस्टर श्याम वर्मा, सुधा जी आपको भले ही माफ कर दें लेकिन कानून इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुधा जी, मैं आपको मिसेस रीना वर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।